नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर यादव। जिले में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। चोरों और लुटेरों के लिए एक तरह से स्वर्ण युग चल रहा है। दो दिन पहले ही दो लूट के मामले सामने आए थे। अब ग्राम ढड़ारी में एक ही रात में 7 दुकानों के ताले टूटने के मामले सामने आए हैं। थाना क्षेत्र के ग्राम ढड़ारी में 7 छोटी छोटी दुकानों के ताले तोड़कर चोरों ने इनमें रखी कुछ हजार राशि चोरी कर ली। कुल चोरी लगभग 30,000 रुपए की बताई गई है। लेकिन सवाल यह है कि एक ही रात में 7 दुकानों के ताले तोड़ने वाले चोर आखिर छतरपुर में आए कहां से? इतनी वारदातें आखिर छतरपुर में क्यों हो रही हैं? ढड़ारी में इसी सवाल का जवाब पूरे गांव के लोग चाहते हैं। पुलिस ने यहां पहुंचकर टूटे हुए ताले जब्त कर लिए हैं और चोरों की तलाश शुरू करने की बातें शुरू हो गई हैं। लेकिन अब तक पुरानी लूटों के मामले में भी पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली है। ऐसे में इस चोरी के मामले में भी पुलिस को जल्दी ही कामयाबी मिलेगी, ऐसी संभावना कम नजर आ रही है। 7 दुकानों की चोरी हुई है और हमारे कपड़े भी गए हैं और बगल वाली 4 समोसे की है, वही दुकान तो उसमें से चिल्लर कुछ गए हैं और बगल में राजू महाराज की है जनरल, उसमें भी गुटके उठके रखे थे, कुछ पैसे ले गए। फिर आगे उसके पास कम तो पैसा आती है, उसके भी टायर है, साइकिल 2 साइकिलें भी गई हैं, उसका भी नुकसान है। फिर माँ आगे मोहन दाऊ की है। एसो नंबर डायल को फोन लगाया तो वो आए तो बोले अगले बूबी चले गए। कितने दुकानों में चोरी हुई है? 7 दुकानों में। बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होते हैं एक नई खबर के साथ। बने रहिए पेप्टिक टाइम पर।